कद्दावर नेता जसवंत सिंह जसोल के पाबूपुरा स्थित फार्म हाउस पर उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गुरुवार दोपहर को सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह दिल्ली से संपर्क क्रांति से जोधपुर पहुंचे थे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज जोधपुर आए। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त करने पाबूपुरा स्थित उनके फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने जसोल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और उनके पुत्र वे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इसी प्रकार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, प्रदेश महामंत्री के बिश्नोई, जोधपुर के प्रभारी वासुदेव देवनानी, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी जसोल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शेखावत वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गत दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद प्रथम बार जोधपुर पहुंचे। वे निवास स्थान पर अनेक भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भी मिले। वहीं डिप्टी सीएम व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने भी आज जोधपुर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे जयपुर से सड़क मार्ग होते हुए जोधपुर आए थे। यहां पाबूपुरा स्थित जसोल के फार्म हाउस पहुंचे, वहां दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल से मुलाकात कर शोक जताया। इस दौरान उनके साथ राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के पूर्व महासचिव राजेश सारस्वत, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी व कांग्रेसी नेता करण सिंह उचियाड़ा सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।